और फाइनली यहाँ पर से मुझे अपनी जो स्टडी परमिट है वो मिल चुका है। ठीक है भाई, मेरे जो बैग है ना वो एक्चुअली मिसिंग है एंड वो छूट गए मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट के ऊपर। पर तुम सुन ना पाए। तो गाइस कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होने के बाद वहाँ पर एक मशीन लगी होती है व्हाइट कलर की, जिसके अंदर आपको अपनी जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ना वो वहाँ पे उस वाली मशीन के अंदर लिख करके अपने एक टोकन नंबर निकालना होता है। तो वो आपको कैसे करना है वो मैंने आज के इस वाली वीडियो में कवर किया है। एंड मेरे को ना यहाँ पर से अपना स्टडी परमिट भी मिल गया एंड मेरे जो लगेज ना वो टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर खो भी गए थे। तो वो सारी चीज़ें ना मैंने इस वाले वीडियो के अंदर कवर की है। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको ना बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वाले वीडियो से मिल सके। ओके पासपोर्ट ओके फोटो खींचा डन फोटो कैप्चर हाँ सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना था। ओके आई फ्रॉम अदर कंट्री यूएसए अदर कंट्री कंटिन्यू घड़ी घड़ी में बोल ही जाता है यार। वेयर डू यू लिव इंडिया ना वो आई थिंक ट्रैवलर के सर मैं इमिग्रेशन तो हो चुका है वहाँ पे। ठीक है एंड राइट नाउ मेरे को नीचे जाना है, पता नहीं कहाँ पे। उन्होंने बोला कि जस्ट फॉलो द लाइन, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ लोगों को। लेट्स सी। अब भाई देखो यहाँ पर से ना ये वाली मशीन के अंदर से टोकन नंबर निकालने के बाद वो लोग आपको ना सीधा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास भेजेंगे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वहाँ पर से ना थोड़े क्वेश्चन पूछेगा आपने रिलेटेड, आप कहाँ से आए हो एंड ऑल, आप स्टूडेंटों की वर्क परमिट पे आए हो। फिर वो आपको एक और टोकन नंबर देगा और आपको एक लाइन में ना वेट करने के लिए बैठ जाना पड़ेगा। वहाँ पर बैठने के बाद ना हार्डली 30 मिनट्स के अंदर आपका नंबर आएगा। वो नंबर आने के बाद आपको एक और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना होता है। वो जो ऑफिसर होता है वो आपके कॉलेज का ऑफर लेटर, आपका वीज़ा और पासपोर्ट देगा एंड दैट्स इट। मेरे को एक क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, खाली ऐसा मेरे को पूछा कि ना कौन सा कोर्स करने के लिए आया हो, कौन सी कॉलेज है, कहाँ पर लोकेटेड है, दैट्स इट। और कोई टफ क्वेश्चन ज़्यादा मेरे को पूछे नहीं, ज़्यादा मेरे को रोका भी नहीं। 10 मिनट के अंदर मेरे को ना अपना जो स्टडी परमिट है उन्होंने प्रिंट करके दे दिया। फिर से मुझे अपना जो स्टडी परमिट है वो मिल चुका है। ठीक है तो कोई यहाँ पर से इमिग्रेशन के अंदर ना आपका स्टडी परमिट आपको मिल जाएगा। ठीक है तो मैंने कलेक्ट कर लिया है, तो अपनी मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ अपनी टोरंटो वाली। यहाँ पर से ना मैं अपने टोरंटो वाली ओके सो भाई अभी हम लोग फ्लाइट के लिए लेट हो चुके हैं। आप लोगों ने अनाउंसमेंट तो सुन ही लिया होगा, बट यहाँ पर से ना टोरंटो की फ्लाइट के लिए मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ एंड गाइस ये रहा एयरपोर्ट। या सो आई हैव टू वेट फॉर माय फ्लाइट राइट नाउ। लेट नहीं हुआ भाई, डिले हो गई है, वैसे ही बोलने बोलने में बोल गया। तो फ्लाइट डिले हो चुकी है तो आई थॉट कि ट्रिप लाइक खा लिया जाए, वैसे ही टाइम पास करेंगे अभी। अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। फाइनली टोरंटो के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हो चुका हूँ। ठीक है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक्चुअली गाइस यहाँ पे एक इशू हो गया है, मेरा एक ही बैग खाली आया है और ये कन्वेयर बेल्ट भी बंद हो गया।
एंड यहाँ में से ना कोई बैग मेरा नहीं है, तो अभी मेरे को ना अपने बैग ढूंढने पड़ेंगे। अब यहाँ पर से ना इन्होंने बोला है, ये जनाब ने बोला है कि वो वाले काउंटर पे जाओ, तभी आपको पता चलेगा कि बैग्स के साथ क्या। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा,